आदिवासी गोंड गुआरी समिति संवैधानिक संघर्ष कृति समिति नागपुर के तत्वावधान से अपने विविध मांगों को लेकर विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकाला गया। इस समय बड़ी तादाद में आदिवासी गोंड समाज के लोग यशवंत स्टेडियम में उपस्थित हुए थे। कई सालों से लंबित तकनीकी मांगों को लेकर वह सरकार के प्रति रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। पेश है हमारी संवाददाता जिगिशा बुंदेले की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आदिवासी गोंड गोवरी समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है। ये अपने हक के लिए मोर्चा कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं और इनकी प्रमुख मांगे जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, अपने हक के लिए वो ये मोर्चा निकाल रहे हैं। आदिवासी गोंड गोवरी जमात सावधानी हक संघर्ष कृति समिति की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है। आपकी क्या प्रमुख मांगे पहले ये बता दीजिए। हमारी जो मांग है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18/12/2020 को जो निर्णय दिया है, उस निर्णय में प्यारा नंबर 83 में हमारी संस्कृति दी है। और हमारी संस्कृति ये कि आप जैसे देख रहे हो हमारी तरफ ढाल जो है, जो ढाल पूछते हैं, जो दिवाली को ढाल नाचते हैं, जिनके पास वागोबा है, नागोबा है, ऐसे देवों को जो पूछता है, जो प्राचीन संस्कृति का आदर करता है, वही गोंड गोवारी है। और ऐसा ये संदर्भ दिया है कि जो कायदा बना है वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट देने का, जो कायदा बना है 2000-2003 का, वहाँ पे बताया है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, सोशल स्टडी और एथनोग्राफिक स्टडी, इनके आधार पर एक आदमी, एक समाज, एक समुदाय जो भी आदिवासी का क्राइटेरिया पूरा करता है, जो सभी क्राइटेरिया हम पूरा करते हैं, और इस संदर्भ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्यारा नंबर 83 में लिए है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो ढाल संस्कृति जिसके पास है वही गोंड गुवारी है। और ये गोंड गुवारी साबित करने के लिए हमें गोंड गुवारी की कोई भी 1950 के पुरावे की जरूरत नहीं है, हमें हमारा रिकॉर्ड ही गुवारी चाहिए। क्योंकि काका साहब कालेलकर आयोग ने 1955 में जो माननीय राष्ट्रपति को जो अहवाल सादर किया था गोंड की उपजमात गोवारी करके हमारी सिफारिश की है, और परिणाम में हमारी जो एंट्री हुई है वो गोंड गोवारी हुई है। और संवैधानिक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक तरतूद और वैज्ञानिक तरतूद के आधार पे हमें जो गोंड गोवारी का दर्जा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो दर्जा हमें चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना ना करके प्रशासन और शासन हमारी मांग को पूरी किए, और सुप्रीम कोर्ट के आधार के निर्णय के आधार पे हमें हमारा संवैधानिक हक हमें मिलना चाहिए। और अगर प्रशासन और गवर्नमेंट की तरफ से आपकी ये जो मांगे इसको नामंजूर की जाए, तो आपकी अगली रणनीति क्या होंगी? इसके बाद भी इससे बड़ा भी और मोर्चा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है 1994 में हमारे जो 114 भाई तत्कालीन सरकार के समय, जो सरकार थी तत्कालीन सरकार, उस समय हमारी जो मांग थी, उस समय हमारे 114 भाई शहीद हो गए थे। और अभी तो हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं करता, तो इससे भी बड़ा हम मोर्चा जरूर खोलेंगे और पूरे इलेक्शन पे हम बहिष्कार डाल देंगे। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने क्लियर क्लियर धमकी दी कि हम लोग इलेक्शन पे बहिष्कार डालेंगे, तो हम देखेंगे आगे चल के कि प्रशासन की इसके ऊपर क्या क्रिया होती है। आदिवासी मोर्चा निकाला जा रहा है जी। आदिवासी मोर्चा का अभी तक मुझे कोई मिला नहीं, लेकिन उनके जो भी समस्या होंगे मोर्चा के माध्यम से जो सरकार के तरफ उनकी जो समस्या होंगी, तो मैं सरकार के सामने रखूंगा। मैं इनका ये जो मोर्चा ये काफी सालों से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाया गया है। नहीं, ऐसा है, सरकार ने बहुत सारे प्रश्न उनके सॉल्व किए, ऐसा नहीं है सभी सॉल्व किए। अभी कोई नए अगर प्रश्न होंगे तो वो अगर सरकार के सामने अगर आया, मेरे मुझे तो पता नहीं है, मुझे अगर मिला तो मैं अभी विधानसभा में जा रहा हूँ, जो भी संबंधित मंत्री होंगे उसके तरफ ये विषय मैं रखता हूँ। तो ये थे गढ़चिरौली के खासदार अशोक नेता, इन्होंने तो कहा है आश्वासन पूरी
मजबूरी पूरी दी है कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आगे चल के देखेंगे कि इसके ऊपर सही में कुछ एक्शन लिया जा रहा है क्या। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतना बड़ा मोर्चा निकाला जा रहा है, तो आइए चलते हैं हम इनके अध्यक्ष से बात करते हैं और उनसे पूछते कि उनकी प्रमुख मांगनियां क्या है प्रशासन और सरकार से। आदिवासी की मांगनी है, आदिवासी समाज गोवारी समाज है ना, 1994 में शरद पवार की सरकार थी उस टाइम में हत्याकांड हुआ था, हम आरक्षण मांग रहे हैं। हमारे जिनको नौकरी है गोंडवारी नाम के उनको भी आरक्षण से निकाला जा रहा है, इसलिए सरकार ने दखल लेना चाहिए हमारे समाज की। और सरकार ने आपकी जो ये मांगनी है इसको नामंजूर कर दी, तो आपकी अगली रणनीति क्या होंगी? हमारे राजनीति आगे सामने की है ना, हम उसके सामने में देखेंगे अभी क्या हुआ। तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक्शन नहीं लिया और ये मुख्यमंत्री ने एक्शन नहीं लिया, तो हम देखेंगे आगे क्या करने का है। तो आप क्या बोलना चाहोगे, आपकी क्या मांगे है? मांगे तो हमारी हमारी मांगे आरक्षण कीजिए, बाकी दूसरी कोई हमारे शुरू से आरक्षण मिलता था पहले, अभी ये सब ये कर दिए इन्होंने, जो आदिवासी रहने के बाद भी वो आदिवासी नहीं है बोल रहे, ऐसा जो गया ना क्या है उसी के लिए कर रहे हैं, जबी 20-25 साल हो रहे हैं वही कर रहे हैं। साल हो गए 29 साल होने के बाद में हमारे को अभी तक आरक्षण नहीं मिला, हम किसको मांगना चाहिए? फिर बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद में हमारे को आरक्षण नहीं मिलता, तो आरक्षण देना चाहिए। और हम इस भारत के मूल निवासी आदिवासी है, हम आदिवासी तक आए थे, हम 1985 में जीआर रद्द किया हमारे समाज का और हमारे को वंचित किया सरकार ने, तो वो सरकार ने हमारे तरफ ख्याल देना चाहिए। आपने हमारे को जो बोला वो है, ये हमारे को पीछे 25 साल हो गए या हमारे को आरक्षण मिलने को है ना, अभी हम इस टाइम पे मोर्चा निकाल रहे हैं, हम तो हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, हम करके लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। अभी आदिवासी गोवरी समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है। मैं जगीशा बुंदेले, वीडियो जर्नलिस्ट विशाल रायपुरी के साथ कारण न्यूज नागपुर।